एक जवान लड़का था जिसका नाम था रामपाल। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। जैसे जैसे वो और बड़ा होता गया, उसका ध्यान अध्यात्म की तरफ होता चला गया। 25 की उम्र तक आते आते उसे मानो भगवान का ध्यान करने और पूजा अर्चना करने की जैसे लत लग गई थी। हालांकि उसकी बचपन से इच्छा थी कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। इसके लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की भी सोचता रहता था, पर कुछ यूँ लगा लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक वो भगवान की पूजा अर्चना और ध्यान करने में ही ज़्यादातर समय बिता देता था। रामपाल की सफलता की कहानी को आगे ज़रा ध्यान लगाकर सुनिएगा और इससे मिलने वाली सीख और प्रेरणा को अपने खुद के जीवन में भी जरूर लागू कीजिएगा। तो बस भगवान को याद करते करते पता नहीं 5 से 6 साल और कब बीत गए। हालांकि भगवान का ध्यान करने और उन पर विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं है, पर रामपाल इतने सालों में ऐसा करते करते बहुत ही ज़्यादा आलसी हो चुका था। अब क्योंकि कमाने की उम्र निकली जा रही थी तो उसे इस बात की ज़्यादा चिंता होने लगी। अमीर तो वो बनना चाहता ही था, उसके लिए कुछ करना भी चाहता था, पर बस अपनी पूजा अर्चना के चक्कर में कोई भी काम शुरू नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उस पर आलस इस कदर हावी हो गया था कि वो सिर्फ योजनाएं बनाता था, उनकी शुरुआत नहीं करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसको अपने जीवन और भविष्य के बारे में और ज़्यादा चिंता होने लगी कि अब सब कैसे होगा। एक दिन रात के समय सोते सोते उसने फैसला किया कि वो पिछले 10 से 15 साल से भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, इसलिए अब भगवान से ही पैसे मांगेगा। उसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था, उसे यकीन था कि इतने सालों से वो भगवान को याद कर रहा है तो भगवान उसकी ज़रूर सुनेंगे। उसी दिन से वो हर रोज़ जब भी भगवान की पूजा करता, उनको याद करता, तो उनसे लाखों रुपए की मांग ज़रूर करता। उसे पूरा विश्वास था कि अब मेरे भगवान ही मेरी सफलता की कहानी लिखेंगे। यूँ भगवान से पैसे मांगते मांगते और उनका ध्यान करते करते कई साल बीत गए और रामपाल अब 40-42 साल का हो गया। पर भगवान के द्वारा उसके अमीर बनने की इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और उसे इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मानसिक आघात पहुंचा कि 20 साल से वो अपने भगवान की पूजा कर रहा है लेकिन उन्होंने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। अब रामपाल को लगने लगा कि उसका जीवन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वो पागल सा रहने लगा और पूजा अर्चना करना सब छोड़ दिया। हाँ, वो रात को सोते समय अभी भी एक बार भगवान को याद करके जरूर सोता था और मन ही मन उनसे पूछता था कि क्यों आपने मुझे अमीर नहीं बनाया, सिर्फ कुछ लाख रुपए ही तो मांगे थे मैंने। यूं करते करते दिन बीत गए। एक रात रामपाल भगवान को याद करके सोया ही था कि अचानक भगवान उनके सपने में आए। उनके दोनों हाथों में नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। रामपाल खुद को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और उसे ये सपना नहीं बल्कि हकीकत महसूस हो रही थी। उसे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान उसके सामने लाखों रुपए लेकर खड़े हैं और वो खुद भी अच्छी नींद में नहीं बल्कि जग रहा है। रामपाल बहुत ही खुश हुआ और उसने पैसों की ओर अपने हाथ आगे बढ़ाने चाहे, लेकिन ये क्या, रामपाल अपने हाथ नहीं उठा पा रहा था। उसने लाख कोशिश की पर अपने हाथों को उठाकर आगे नहीं बढ़ा पाया। उधर भगवान पैसों को हाथ में लेकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। रामपाल ने दुखी होते हुए कहा कि प्रभु, क्यों आप मुझे ये रुपए नहीं दे रहे हैं? इतने सालों से क्यों मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है? क्या मेरी पूजा अर्चना में कोई कमी थी? क्या मैंने आपको सच्चे दिल से याद नहीं किया? आपने दुनिया में करोड़ों लोगों की सफलता की कहानियाँ लिखी हैं, उन्हें पता नहीं कितनी दौलत दी है, फिर मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों प्रभु? इतने सालों में एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने आपको याद नहीं किया हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, रामपाल, तुम्हारी पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं है, तुम मुझ पर विश्वास करते हो ये भी जानता हूँ, तुम एक अच्छे इंसान हो मैं ये भी जानता हूँ, तभी तो तुम्हारे लिए अपने हाथों में इतनी दौलत लिए खड़ा हूँ। रामपाल ने कहा, तो प्रभु आप मुझे ये रुपए देते क्यों नहीं? भगवान ने कहा, रामपाल, मैं तो तुम्हें ये रुपए देने ही आया हूँ लेकिन तुम खुद इन्हें नहीं ले पा रहे हो। रामपाल को कुछ समझ नहीं आया और दुखी होते हुए बोला, प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, ये क्या हो रहा है? तब भगवान ने कहा, शांत हो जाओ पुत्र और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जब से मुझसे दौलत मांगना शुरू किया था मैं तब से ही तुम्हारे लिए ये रुपए पैसे हाथ में लेकर तुम्हें देने के मौके की तलाश में हूँ, लेकिन इतने साल बीत गए तुम मुझे मौका ही नहीं दे रहे हो ये पैसे देने का। रामपाल ने कहा, प्रभु मैं समझा नहीं। तब भगवान ने कहा, रामपाल, तुम इतने सालों से मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे हो, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं ये दौलत तुम्हें यूं ही नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे कोई ना कोई बहाना तो दो। जो तुमने सालों से सोच कर रखा है अपना वो काम धंधा शुरू करो जिसमें मैं तुम्हें सफलता दिलाऊंगा और ये ढेर सारी दौलत कुछ ही समय में तुम्हारे काम के जरिए मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा, तुम्हारा अमीर बनने का सपना पूरा हो जाएगा।
अब रामपाल को सारा माजरा समझ आ चुका था। उसने भगवान से माफी मांगी, प्रभु वहां से गायब हो गए। और कुछ घंटों बाद रामपाल की आंखें खुली, उसे सपने की सारी बातें याद आई। उसने तुरंत नहा धोकर अपने भगवान से आशीर्वाद लिया और उसी दिन से अपना नया काम शुरू किया। वह लगातार अपने काम में जी तोड़ मेहनत करने लगा और एक दो साल में ही उसे उस काम में उससे भी ज्यादा दौलत मिल गई जितनी उसने भगवान से मांगी थी। वह हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता था। उसे अब जिंदगी के सबक और भगवान के देने का तरीका अच्छी तरह से समझ आ चुका था। रामपाल की इंस्पायर करने वाली कामयाबी की हिंदी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान को भी हमें कुछ देने के लिए कोई बहाना चाहिए होता है। जो लोग पड़े पड़े बस भगवान से मांगते रहते हैं, उन्हें भगवान कुछ नहीं दे सकते। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान में विश्वास करना अच्छी बात है, उनको याद करना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं तो उसके लिए कड़ी मेहनत जरूर करें और भगवान को जरिया दें, प्रभु आपको दे पाएंगे। नहीं तो रामपाल की तरह भगवान तो आपको देना चाहेंगे पर आपके खुद के हाथ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप भगवान से मांगिए, लेकिन साथ ही साथ अपने काम को भी शुरू कीजिए और उसमें कड़ी मेहनत कीजिए। धन दौलत पाने के लिए आपको कोई ना कोई काम तो शुरू करना ही पड़ेगा। भगवान आपको किसी ना किसी बहाने से ही धन दौलत देंगे। कुछ करोगे ही नहीं तो भगवान आपको कुछ क्यों देंगे। ऐसी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।